अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के साथ हेल्दी बीन्स रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये बहुत ही सिंपल, टेस्टी और इजी रेसिपी है। इसमें स्ट्रॉन्ग स्पाइसेस का बिल्कुल भी यूज नहीं होगा। इसे बीन्स पोरियल भी कहा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हेल्दी बीन्स की रेसिपी बनाने के लिए मैं ले रही हूँ 250 ग्राम बीन्स। इसे अच्छे से धो के रख लें। इसको फ्रेंच बीन्स भी कहा जाता है। नेक्स्ट हम बीन्स को देखिए कुछ इस तरह से कट कर लेते हैं। पहले इनके साइड्स कट कर दीजिए। नेक्स्ट इसके छोटे छोटे पीसेस कट कर लेते हैं। देखिए इस साइज के पीसेस। ऐसे ही करके मैं सभी बीन्स कट कर लेती हूँ। बीन्स हमारे कट होके रेडी हैं। चलिए अब हम रेसिपी के नेक्स्ट प्रोसीजर की ओर बढ़ते हैं। अब हम बीन्स को बॉईल कर लेते हैं। इसके लिए पैन में मैं एक ग्लास पानी ले रही हूँ। पानी देखिए अच्छे से गर्म हो चुका है। अब मैं बीन्स को इसमें डाल देती हूँ। बीन्स को हम ज्यादा बॉईल नहीं करेंगे, बस थोड़ा सा ही करेंगे ताकि ये हमारी रेसिपी में बहुत ही क्रंची क्रंची लगे। फ्लेम को हाई पे रखिए। बॉईल होते वक्त थोड़ा सा नमक भी डाल देते हैं ताकि नमक अच्छे से बीन्स के अंदर तक एंटर हो जाए। इसे भी मिक्स कर लें। बीन्स को मैंने एक 10 मिनट के लिए बॉईल कर लिया है, बस इतना काफी है, इससे ज्यादा मत करें। देखिए अब मैं फ्लेम बंद कर देती हूँ और इसमें जो पानी है वो ड्रेन कर लेती हूँ। देखिए बीन्स हमारे बॉईल होके तैयार है। इसमें जो एक्स्ट्रा पानी था उसे मैंने छान लिया है। पैन में हम थोड़ा सा तेल गरम कर लेते हैं, बस एक टीस्पून जितना ही डालिए, इसमें ज्यादा तेल नहीं लगेगा। ये बहुत ही हेल्दी, सिंपल और इजी रेसिपी है और साथ ही बहुत टेस्टी भी बनती है ये। तेल गरम हो चुका है, अब मैं इसमें एक टेबलस्पून मूंग की दाल डाल देती हूँ। मूंग की दाल डालने के बाद इसे हल्का सा फ्राई कर लें इस तेल में। फ्लेम को मीडियम पे रखिए, इसे जलने मत दें। मूंग की दाल अच्छे से फ्राई हो चुकी है, इसके लिए बस एक 20 सेकेंड ही लगे हैं। नेक्स्ट मैं इसमें राई डाल देती हूँ, आधा टीस्पून राई। इसे भी सॉटे कर लें। इसे बस एक 10 सेकेंड के लिए कीजिए। नेक्स्ट मैं इसमें एक छोटे साइज की बारीक कटी हुई प्याज भी डाल देती हूँ। प्याज को हम ज्यादा फ्राई नहीं करेंगे, बस एक 10 से 15 सेकेंड ही काफी है। थोड़े से करी पत्ता भी डाल देते हैं, इसे भी मिक्स कर लें। करी पत्ता की बहुत अच्छी खुशबू आएगी हमारी रेसिपी में। नेक्स्ट हम इसमें 3 लाल सूखी मिर्च भी डाल देते हैं। इसे भी हल्का सा फ्राई कर लेते हैं। अब हम इसमें बॉईल किए हुए बीन्स डाल देते हैं। फ्लेम को हाई पे रख के बीन्स को अच्छे से मिक्स कर लें। बीन्स अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब मैं फ्लेम को मीडियम पे रख देती हूँ और मीडियम फ्लेम पे हम इसे ऐसे ही मिक्स करते रहेंगे 1 से 2 मिनट तक। आप थोड़ा सा नमक भी चेक कर लें। हमने बॉईल करते वक्त थोड़ा सा डाला था, अगर आपको कम लगे तो आप थोड़ा सा अभी डाल सकते हैं। देखिए मैं थोड़ा सा डाल रही हूँ। इसे मिक्स कर लेते हैं। 2 मिनट हो चुके हैं। अब मैं फ्लेम लो पे रख देती हूँ और हम इसमें कच्चा नारियल, देखिए 3 टेबलस्पून कच्चा नारियल डाल देते हैं। इसे मैंने थोड़ा मोटा मोटा ग्राइंड करके रख लिया है। इसे डालने के बाद हम इसे भी मिक्स कर लेते हैं। फ्लेम को लो पे ही रखिए। नारियल इसमें अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब मैं फ्लेम बंद कर देती हूँ। हमारी मजेदार हेल्दी बीन्स की रेसिपी अब तैयार है। इसे बीन्स पोरियल भी कहा जाता है। आप लोग इसे जरूर बनाइए। जब इसमें ये जो प्याज और मूंग की दाल, नारियल का जब टेस्ट आपके मुंह में आएगा, बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। आप इसे रोटी से खा सकते हैं या दाल चावल से खा सकते हैं। मुझे कमेंट्स में बताइए आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आप लोगों को मेरी ये हेल्दी बीन्स रेसिपी पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें, तभी आपको मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलेंगे। ये बिल्कुल फ्री है। लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम।